सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजय, आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल गेम नॉलेज में। सो गाइस, जैसा कि जानते हैं आपके भाई का काम होता है आप लोगों को फ्री फायर के 100% कंफर्म अपकमिंग अपडेट्स देना। तो गाइस, जब भी मैं अपडेट्स की वीडियो बनाता तो दो कमेंट मुझे जरूर से आते थे, फ्री फायर का नेक्स्ट गोल्ड रॉयल क्या होगा। तो गाइस, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दी है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ गाइस, वहां पे एक और ये कमेंट आता, आप लोगों का भी ये डाउट होगा कि भाई फ्री फायर में रीजनल बैटल सीजन 8 कब आएगा, क्योंकि गाइस बहुत लोगों का यहां पे यही डाउट आ रहा है कि फ्री फायर में आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि गाइस हो चुका है इसका टाइम तो कब का बीत गया गाइस, इसको तो 28 जून को ही आ जाना मांगता था, अभी जुलाई बीतने आ चुका है 10 जुलाई, मतलब धीरे धीरे लेट हो रहा है। इसलिए मंथ से गाइस लगभग 1.5 महीना हो चुका है, मतलब समझ सकते 45 डेज से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक फ्री फायर में रीजनल बैटल नहीं आया है। तो गाइस ये कब आएगा और किस रीजन से अभी तक नहीं आया है और क्या इसमें आपको रिवॉर्ड मिलने वाले, ये सब गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो गाइस बस आपको करना क्या, वीडियो के अंत तक वॉच करना है। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे फ्री फायर से रिलेटेड नॉलेज और वीडियो साथ ही साथ फ्री फायर के इवेंट के अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। सो गाइस, बात करते हैं कि फ्री फायर में रीजनल बैटल क्यों नहीं आया, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता होगा फ्री फायर में रीजनल बैटल जब होता था तो वहाँ पे आपके 3 कंट्रीज के बीच में होता था, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया। बट गाइस अब से आपको पता ही होगा बांग्लादेश सर्वर हमारे से अलग हो चुका है और ऐसा गाइस नहीं हो सकता कि रीजनल बैटल हम किसी अदर कंट्री के साथ कंपेयर करें, क्योंकि गाइस तब हो जाएगा वो गाइस कंट्री वॉर हो जाएगा। उस समय गाइस होता था सर्वर वॉर, मतलब सर्वर के बीच में होता था कि कौन सा सर्वर ज़्यादा खेल रहा है, कौन सा सर्वर ने ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट किए। बट अभी हो जाएगा कंट्री वॉर टाइप का। अब वो गाइस कंट्री वॉर के टाइप का मतलब गाइस तो टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, ऐसा टाइप का आप समझ नहीं सकते, आपको रीजनल गाइस रीजनल बैटल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंट्री बैटल हो भी सकता है, कंट्री बैटल कर भी सकते हैं, पर रीजनल बैटल नहीं हो सकता। तो गाइस इसी के लिए फ्री फायर तो अभी बांग्लादेश सर्वर अलग हो जाने के कारण बांग्लादेश में भी गाइस रीजनल बैटल नहीं है और इंडिया में भी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। आप बोलोगे गाइस इंडिया तो नेपाल दो तो है, इनके बीच में तो करा सकते हैं, बट गाइस आप लोगों को पता होगा अगर दो कंट्री के बीच में होगा, मतलब एक ही सर्वर में, इंडिया और नेपाल दोनों एक ही सर्वर में, उनका कंट्री नहीं माना जाता, एक ही सर्वर माना जाता है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कभी रेस दो जन के बीच में नहीं होती, कम से कम 5 जन भी होंगे तो टॉप 3 या टॉप 2 टॉप 1 गाइस दो जन में रेस होगी, एक बंदा जीतेगा एक बंदा हारेगा, तो ऐसे टाइप का गाइस वो भी मज़ा नहीं आने वाला। प्लस साथ ही साथ जो इंडिया सर्वर में होगा दो कंट्री के दो, मतलब समझ सकते हो दो सर्वर के इंडिया और नेपाल दो कंट्री के बीच में होना सही नहीं होगा, जिस रीजन से गाइस उसमें होगा कि जो बंदे का ज़्यादा पॉइंट होगा टॉप पे आ जाएगा, जो नहीं होगा नीचे आ जाएगा, तो उसमें समझ में नहीं आएगा सेकेंड थर्ड टाइप का। तो इसके लिए गाइस फ्री फायर अभी इंडिया नेपाल के बीच में तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ सकते हो ऑलरेडी नेपाल की ऑडियंस कम है, इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा है, फिर उनके बीच में मैच ऑलरेडी डिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंट कवर करता है, तो इस रीजन से गाइस अभी इंडिया नेपाल के बीच में तो नहीं होगा। आप गाइस पे बोलोगे भाई फिर होगा कि नहीं होगा और इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा वो बता दो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इंडिया में आप आएगा, पर गाइस आप लोगों का रीजनल बैटल के नाम से या दूसरे नाम से आने वाला है। ये हो सकता है गाइस फ्री फायर क्या करने वाला है, इंडिया जो अपना मैप है उसको दो डिवाइड कर देगा, साउथ मतलब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया या ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया, ऐसा गाइस डिवाइड कर देगा दो पार्ट में, साथ ही साथ नेपाल का भी कर देगा, नहीं तो गाइस स्टेट वाइज भी कर सकता है कि महाराष्ट्र एमपी यूपी ये एक स्टेट में आएंगे, फिर दिल्ली ये सब एक स्टेट में आएंगे, उत्तराखंड टाइप के, फिर ये नीचे के 4 स्टेट ये एक में आएंगे केरल टाइप ये सब के। तो गाइस ऐसे भी कर सकते हैं, अभी तक इसका कोई फिक्स नहीं बताया गया और गाइस अभी तक इस पर कोई इतना ज्यादा अपडेट्स भी नहीं निकल गया, बट बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसके लिए मेरे को फाइनली इस पर वीडियो बनानी पड़ी। तो गाइस मैं आप लोग बता दूं रीजनल बैटल अब तो आएगा नहीं, अब तो कम ही चांसेस है कि आपको रीजनल बैटल आएगा, अगर आता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे और साथ ही साथ अगर फ्री फायर से कुछ डिफरेंट डिफर करेगा, ऐसा तो नहीं कि आपको बांग्लादेश के साथ खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि पूरा अलग सर्वर हो चुका है, तो वहां के प्लेयर इंडिया सर्वर के साथ नहीं खेल सकते और वहाँ का सर्वर सिर्फ बांग्लादेश से प्लेयर के साथ लड़ेगा तो समझेगा ही नहीं। तो इसी के लिए गाइस अभी वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए गाइस आप लोगों का ये हो सकता है कि मतलब स्टेट वाइज कुछ कर दे या इंडिया को दो पार्ट में कर दे, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया टाइप का, और नहीं तो गाइस यहाँ पे कुछ अदर कंट्री वॉर कर दे, जैसे इंडिया बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान टाइप का भी कर सकते। तो गाइस ये सब करने के लिए आप समझ सकते हैं आप लोगों मतलब इनका फिर कोडिंग करना पड़ता है पूरा, मतलब अपने फ्री फायर गेम में उतना चीज करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, पूरे सर्वर में अपडेट डालना होता है, तो ये सब में गाइस थोड़ा टाइम लग जाता है, इसके लिए फ्री फायर अभी इसको डिले कर रहा है। साथ ही साथ गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने क्लैश स्क्वाड का भी बताया था कि आप लोगों को एरिना कप टाइप का दिखाई देगा, तो गाइस वो भी ये सब के कारण गाइस रीजन से लेट आ रहा है। साथ ही साथ अभी बहुत सारे फ्री फायर में रैम्पेज इवेंट चल ही रहे, उसी के साथ साथ फ्री फायर फिर मैकलन ये सब गाइस अभी बहुत सारे इवेंट आने के, इस रीजन से फ्री फायर और इसको डिले कर रहा है, इसको इतना रियल मतलब इतना इसको जरूरत नहीं समझ। और गाइस रही इसमें रिवॉर्ड मिलने की, तो गाइस जो आपको पुराने रिवॉर्ड थे गाइस पोकर MP40 ये सब के आपको गन स्किन
मिल सकते हैं। साथ ही साथ गाइस वहाँ पे गाइस आप लोगों को किसी के गन कार्ड्स मिल सकते हैं, जैसे क्यूपिड्स कार के पहले मिलते थे बंद हो गए, तो उसके अलावा ड्रैगन एके के भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पे कोई ग्लोवल की स्किन एक तो जरूर फिक्स से मिलेगा, नेम चेंज कार्ड ये सब तो मिलते रहेंगे। तो गाइस जैसे पुराने रीजन बैटल के रिवॉर्ड थे सेम होगा, थोड़ा कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एक दो उसमें आप लोगों को कोई मतलब कोई अच्छा खासा इनक्यूबेटर के बंडल ऐड कर सकते हैं, जो कि आप समझ सकते हो टॉप 1 टॉप 5% वाले पीपल्स को मिलते हैं। तो गाइस यही था आप लोगों का अपडेट जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और गाइस आप लोगों का रीजनल बैटल में आप लोगों को बता दूंगा, जैसे मुझे कुछ अपडेट्स मिलेंगे तो मैं आप लोगों से सामने से आप लोगों को बता दूंगा। और साथ ही साथ गाइस आप लोगों को पता है या नहीं पता, गाइस फ्री फायर में से जय कैरेक्टर जाने वाला है 31 जुलाई को। तो गाइस ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो डाल दी, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक कमेंट में भी मिल जाएगी। क्यों फ्री फायर ने इसको गेम से निकाल दिया, साथ ही साथ क्या ये वापस आने वाले कि नहीं, गाइस फुल अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना। उसी के साथ साथ गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।